हाय गाइस, मेरी क्रिसमस। तो आज हम क्रिसमस रिलेटेड कुछ बनाने जा रहे हैं, क्रिसमस स्पेशल है। तो स्टे ट्यून विथ मी एंड प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली हम एक क्रिसमस का डेकोरेशन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो एक घर बना रही हूँ। उसके लिए आई एम यूजिंग सम कार्डबोर्ड शीट्स, जिसको कि मैंने पहले से कट करके रखा हुआ था, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अटैच इट विद द हेल्प ऑफ ग्लू। तो सबसे पहले तो मैं घर बना रही हूँ बेसिकली। मुझे छत पे स्नो डालना था, तो स्नो ही एक व्यू देने के लिए मैंने सबसे पहले तो व्हाइट कलर का पेपर उसमें अटैच करने वाली हूँ। कुछ डिज़ाइन पेपर पड़े थे मेरे पास, तो सोचा कि उसको घर बनाने में यूज़ कर लूँ। सो आई एम गोइंग टू कट इट एंड यूज़ इट इन द फ्रंट ऑफ द हाउस। स्नो बनाने के लिए मैं बेसिकली कॉटन यूज़ कर रही हूँ, तो सबसे पहले तो मैं घर पे कॉटन ग्लू के हेल्प से मैं अटैच कर रही हूँ। नाउ लेट्स मेक बैरिकेड्स। तो उसके लिए भी मैं कार्डबोर्ड शीट ही यूज़ कर रही हूँ, एंड उसको मैंने ऑलरेडी पहले से कट करके रखा हुआ था। कॉटन जो है वो मुझे ग्राउंड में भी डालना था, तो मैंने जो कुछ कॉटन सबसे पहले निकाल के मैंने ग्राउंड में डाले हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लू। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ सम राइस एलईडी लाइट्स। तो बेसिकली मेरे पास एक पतला सा राइस एलईडी लाइट पड़ा था, तो वो उसको मैं यूज़ करने वाली हूँ। जो फर्स्ट लेयर कॉटन मैंने डाला था उसके ऊपर ही मैं लाइट अटैच कर रही हूँ।
नाउ आई एम गोइंग टू मेक कॉटन बेड। तो मैं एक लेयर बनाने वाली हूँ कॉटन का, जिसको कि मैं वो जो LED लाइट अभी मैंने लगाया था उसके ऊपर ही डालने वाली हूँ। एज़ यू कैन सी एवरीथिंग इज़ रेडी नाउ। अब बस मुझे घर एंड ट्री एंड सेंटा क्लॉज को सेट करना है। ट्री और सेंटा क्लॉज मैंने पहले से बना के रखा था, कैसे बना है ये देखने के लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देखने पड़ेंगे। सो अभी मैंने अपने अपनी जगह पे सबको प्रॉपरली अटैच कर दिया है। बैरिकेड जो आगे का मैंने छोड़ दिया था उसको भी मैं अटैच कर रही हूँ। LED लाइट जो थे वो मैंने घर पे और ट्री पे भी डाल दिया है, तो एक बेटर लुक देने के लिए। और कुछ सोल्स थे मेरे पास तो वो मैं डाल रही हूँ सर्कुलर शेप वाले, तो उससे भी अच्छा लुक आता है। तो फाइनली हमारा जो डेकोरेशन है वो तो बन के रेडी हो गया फॉर क्रिसमस, एंड जो फाइनल लुक है वो ऐसा दिखेगा एंड इट इज़ लुकिंग ऑसम। और फाइनली अगर हम LED लाइट ऑन करेंगे तो ये और भी क्यूट लग रहा है दिखने में। आई होप गाइस कि आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, एंड आई होप कि आप लोग भी कुछ ना कुछ ज़रूर बनाए होंगे आज। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। एंड मेरी क्रिसमस टू एवरीवन गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।